हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, डिफरेंट में नीचे जाएगा है। ये है मैथ में प्रॉब्लम क्लास 8, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 3 1 10 आ जाएगा। अब इसे डायरेक्ट अगर फॉर्म मल्टीप्लाई करना ही नहीं आता, एक्सपोनेंट एंड पावर सेट फ्रॉम सेकंड टेस्ट यू। तो उसका ये फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखो, ये क्वेश्चन है ना, सेट बाय 4 पावर माइनस 1 माइनस 3 एंड सेट बाय 4 पावर 5 एंड 7 बाय 4 की पावर है एक्स माइनस 3। मैंने क्या बोला है कि ये बेस है और ये क्या है, पावर। बेस पावर, बेस दोनों का सेम। तो मल्टीप्लाई के केस में जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यह हो जाएगा 7 बाय 4 माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 5। इधर कैसे लेंगे, ये भी बात नहीं, 7 बाय 4 पावर एक्स माइनस 2। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 5 3 और प्लस 5, वापस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगी, कितना बचेगा 2, और इधर हो जाएगा 7 बाय 2 पावर एक्स माइनस 2। अब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। देखो जब दोनों साइड में बेस बेस इक्वल और उनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा हो लेकिन पावर डिफरेंट है, ठीक है। देखो बेस दोनों में क्या है, इक्वल, पावर डिफरेंट, ठीक। तो इस केस में ये पावर पावर आपस में क्या कर ली जाती, कंपेयर कर ली जाती, इक्वल होती है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 बराबर एक्स माइनस 2। अब इस 2 को इधर ले आओ तो 2 प्लस 2 इक्वल टू एक्स, यानी इधर कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 125 बाई 8 पावर 3, 125 बाई 8 पावर एक्स। तो मैंने कहा था बेस से है तो पावर पावर ऐड हो जाएगा, तो 125 बाई 8 और ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले बेटा हम ऐसे लिखो 5 बाई 2, ठीक। इस 18 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 3 को अंदर में तो 5 की पावर 3 और ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये बाहर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 8। और पावर में कितना चल रहा, 6, और इधर क्या चल रहा, इधर चल रहा 125 टू पावर 8 और पावर में 3 प्लस एक्स। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि लास्ट में ना तुम्हें दोनों साइड को कंपेयर करना पड़ेगा, तो दोनों साइड में बेस बेस इक्वल होना चाहिए ना, बेस इधर इक्वल है नहीं, इधर क्या था 125 बाई 8 था और इधर 120, इधर क्यों 5 बाई 2 था। तो हमने तुम्हें बताया ना कि ये जो पावर होती है, पावर पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जब मल्टीप्लाई हो सकती है अंदर से बाहर, तो बाहर से अंदर भी तो आ सकती है। इसलिए यहाँ पे इस 18 को हमने 3 टू 6 में तोड़ दिया और 3 वाले पार्ट को हमने अंदर ले लिया पावर में, तो 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 का मतलब 125 और 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, है ना, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसकी पावर पावर को कंपेयर कर ली जाएगी, तो आएगा 3 प्लस एक्स इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकालो तो 6 माइनस 3 यानी कि 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर यही पे लिखो 3 + x = 6, x = 6 - 3 = 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 टू पावर 9 2 by 9 की पावर 6 और ये दिया हुआ है, बेस इक्वल है आपस में ऐड हो जाएगा 2 by 9 की पावर 3 प्लस 6 इक्वल टू 2 by 9 की पावर 2 x माइनस 1। दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर कंपेयर कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 6 9 इक्वल टू 2 x माइनस 1, 1 को इधर भेज दो 9 1 इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर 2x बचेगा, ये 10 हो गया 2x, 2 से दोनों साइड कट देंगे 2 बन गया 2, 2 5 जा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी।
x given 5. यहां पर देखिए बेस है, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 8 एंड 5 कितना हो जाएगा 13 और ये है डिवाइड बाय 3 की पावर 10 और इधर दिया है 3 की पावर x। मैंने क्या बताया था, जब डिवीजन में इस तरह से दिया हो बेस दोनों इक्वल होते हैं तो पावर पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 3 की पावर 13 माइनस 10 इक्वल टू 3x। ठीक है, 3 की पावर कितना आ जाएगा 3 और ये 3 की पावर x। ठीक है, 3 इक्वल टू x। ठीक है, अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है वो हम करवा देते हैं। दो क्वेश्चन और बचे हैं वो हम करवा देते हैं, उनको रख कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है ई वाले पार्ट में 2 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 इस वर्ड में x की पावर 5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी भी पावर 5 है इसकी भी पावर 5 है लेकिन बेस दोनों का सेम है तो पावर ऐड नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं 2 और 6 को एक ब्रैकेट के अंदर लेके उनकी पावर कॉमन ले सकते हैं बाहर 5। ठीक है, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा और ये 6 की पावर 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 6 टू द 12 पावर 5 और ये हो गया x की पावर 5। अब दोनों साइड में इसको कंपेयर किया जा सकता है, कैसे, बेस इक्वल नहीं है लेकिन दोनों साइड में पावर कौन सेम है, तो रूल ये कहता है कि अगर LHS में और RHS में पावर सेम है तो इसका मतलब बेस भी सेम होंगे। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 12 इक्वल टू x, 12 इक्वल टू x यानी कि इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 12। ठीक है, एक क्वेश्चन और f वाला, इसको फिर से रख करते हैं f पार्ट में, कुछ का f पार्ट में रखते हैं x टू पावर 3 6 by 5 पावर माइनस 3 इंटू 6 by 5 power 6। इस केस में क्या करें, इधर वाला टर्म सॉल्व कर लेगा 6 by 5 पावर क्या देंगे ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस 3 प्लस 6, अब देखो ये माइनस है ये प्लस है तो आपस में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 by 5 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये है x की पावर 3 इक्वल टू 6 by 5 power 3 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। अभी जैसे मैंने बताया था दोनों साइड में पावर पावर 3 है, ठीक है ना, पावर सेम है तो इसके बेस भी सेम होंगे तो इसका मतलब x इक्वल टू 6 by 5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे रिवाइज करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो दोबारा इस वीडियो को देखो।